तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड करना। हम लोग इसके पहले भी छोटे क्लासों में अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे भी करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 140 क्वेश्चन में दिया गया है, तो 140 को हम लोग ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, ठीक है ना। तो उसी को करके और उसे गुणनफल के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे 140 है और इसको किया जाए तो 2 × 7 = 14 और 2 × 0 = 0, फिर 2 × 3 = 6 हो जाएगा, फिर 2 × 5 = 10, उसके बाद से 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7, ठीक है ना। तो यही अभाज्य गुणनखंड होता है और इसको हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 140, ठीक है। 140 = क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो इसी रूप में लिखने को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं 1 के बाद से 2, 3, 4 उसे आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। में हम लोग LCM और HCF को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमें HCF और LCM दोनों निकालना है और उसका रिलेशन भी चेक करना है, ठीक है ना। तो उसे मतलब पता भी करना है कि वो क्या, वो LCM और HCF जो हमारा आया है वो क्या वो सही है या नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो HCF या LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो इसके पहले अभी हम बताए हैं, ठीक है। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है ना। फिर 13 × 13, इसी तरह 91 का अगर निकाला जाए तो वो हो जाएगा 7 × 7, 7 × 3 = 21, ठीक है। फिर 13 × 13। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं और उसके बाद से इसे हम लोग गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो 13 है वो इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो अगर हम लोग इसका HCF निकाल रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें जो कॉमन होगा वो 13 होगा, ठीक है ना। तो जो 13 है वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। और जब हम LCM इसका निकालेंगे, ठीक है, तो LCM निकालने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि जो कॉमन होता है, ठीक है ना, उसको हम एक बार लिखते हैं, ओके। जैसे 13 दोनों में है तो 13 को एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो बच रहा है मतलब, ठीक है, जैसे 2 बच रहा है तो 2 को लिख लेंगे और 7 बच रहा है तो 7 को भी लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 13 × 2 = 14, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 13 × 14 कितना होता है, 182, ठीक है। तो अब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमें अब HCF भी 13 प्राप्त हो गया है और LCM भी 182 प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो HCF और LCM तो हम लोग प्राप्त कर लिए, अब इसे हमें चेक भी करना होता है कभी कभी कि क्या यह HCF और LCM जो हमारा प्राप्त हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो आइए इसे चेक करते हैं। चेक करने का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम HCF का LCM में मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब HCF का LCM में अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे दिया है 26 और इंटू सेकेंड नंबर जो कि दिया गया है 91, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, HCF कितना है, 13 है, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो HCF कितना है, 13, उसके बाद से LCM कितना है, 182, ठीक है। उसके बाद से अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं और फिर ये 26, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 26, ठीक है ना। तो 26 हो गया और सेकंड नंबर क्या है, 91, तो 91, ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 और इसका, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 3 = 6, ठीक है ना। आप लोग मल्टीप्लाई करा के चेक कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें आएगा 2 × 3 = 6, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आएगा 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो यानी कि हम लोग का जो HCF और LCM आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से आप लोग LCM और HCF को चेक कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात कि अगर यहाँ पे 26, 91 और कोई एक और नंबर दिया होता तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई ये कहता है कि थर्ड नंबर भी अगर आ जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में, तो उसको आप इस फार्मूले से चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नंबर को ही प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला बस दो ही नंबर के लिए होता है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना।
यानी कि अगर थर्ड नंबर आ रहा है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको जब भी चेक करना हो कि आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है या नहीं, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है।